और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी युद्ध का शंखनाद करने आए हैं, संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। हर घर जलाएंगे अलग जगाएंगे, जहां हर घर जगाएंगे अलग जगाएंगे, उन्होंने कहा। और सीएम ने कहा कि हमें 29 लोकसभा सीट जीतनी है, विजय का संकल्प लेने का दिन है। हमारे बीच आज पधारे हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों नए इतिहास रचे हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी युद्ध का शंख फूंकने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। बोलो, सब तैयार हो चुनाव के लिए? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली बहनाई भी जाएंगी? अरे जोर से बोलो, जाएंगी? और अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। दरअसल 1 जुलाई को शहडोल का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। बारिश की वजह से ये दौरा स्थगित करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब 1 जुलाई को शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल और शहडोल का एक ही दिन में कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। और अब 1 जुलाई को शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शहडोल में लोगों को संबोधित करेंगे। और इससे पहले भोपाल में उनका कई अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उन्हें दिखानी है और लोगों से बातचीत करेंगे। और जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है, उसमें भी वे शामिल होंगे। और इन सभी लगातार विषयों पर नजर रहेगी हमारी, हर डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा रहेगा, जो कि रीशेड्यूल किया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त स्टेट हैंगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक वैश्विक नेता के तौर पर जिनकी अब एक छवि है और सबसे बड़े नेताओं में जिनका नाम शुमार होता है, पीएम नरेंद्र मोदी, वो भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं और एक नहीं बल्कि कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनके वो इस दौरान होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे दिल्ली से करीब 8:30 बजे पीएम मोदी उड़ान भरेंगे, भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर से वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। विश्वविद्यालय से वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर करीब 11 बजे वो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, जो नई दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक ट्रेन भोपाल से इंदौर के लिए जाएगी, जो राजधानी को प्रदेश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने का काम करेगी, और दूसरी ट्रेन भोपाल से जबलपुर जाएगी, जो जबलपुर हाईकोर्ट सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही ट्रेनों से मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है, जो यातायात है, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होगा, लोगों का काफी समय बचेगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि झारखंड, कर्नाटक और अगर बिहार की भी बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश से वहां भी पीएम मोदी वंदे भारत की 3 ट्रेनों की जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज भोपाल से 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की को हरी झंडी दिखाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल होने के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी पीएम मोदी भोपाल से ही शामिल होंगे। करीब 12:30 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होने, माफी जगह 12 बजे करीब इस कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी लाल परेड मैदान पहुंचेंगे और देश भर के जो बूथ स्तरीय बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको पीएम वहां से संबोधित करने का काम करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। वही जीत का मंत्र जिसे लेकर 2014 से बीजेपी
बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2014 के बाद बीजेपी के जीत का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, तो बीजेपी उसे आगे और कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश यहां पर करेगी। और जब देश के सबसे बड़े नेता आपके बीच होते हैं तो ये जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि कार्यकर्ता के लिए वो कितनी बड़ी बात होती है, कितना मोरल बूस्ट कार्यकर्ताओं का होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा चुनावी लिहाज से भी पीएम मोदी का बेहद खास हो जाता है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस दौरे का जेपी नड्डा भी आकर आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा वासु लेकर गए हैं और उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया और हुंकार भरी एक तरह से, और उसी का एक अपर लेवल आज भी हमें आज के कार्यक्रमों में देखने को मिलेगा। शेड्यूल का भी कार्यक्रम रीशेड्यूल हुआ है वासु? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर कई जिलों में जारी है उसके चलते शेड्यूल का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया, नहीं तो पीएम मोदी आज भोपाल का जो कार्यक्रम 1 बजे करीब खत्म होता और उसके बाद वो जबलपुर पहुंचे और जबलपुर से फिर शेड्यूल के लिए रवाना होते और आज ही शेड्यूल में जो कार्यक्रम होना था उसमें पीएम मोदी शामिल होते, लेकिन खराब मौसम के चलते इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन ये कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है, खास बात यह है 1 जुलाई को ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रिशेड्यूल हो गया है। तो पीएम एक बार फिर से आने वाले 4 से 5 दिनों में मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 1 तारीख को शेड्यूल पहुंचेंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और जो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके जो पात्र हितग्राही हैं उनको हितलाभ भी वितरण करने का काम। लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक शक्ति प्रदर्शन रोड शो में वासु देखने को मिलता, वो रोड शो बैक टू बैक कैंसिल होना, और ये निश्चित रूप से हालांकि उसका क्या प्रभाव होगा या क्या आगे ये रोड शो रीशेड्यूल किए जाते हैं ये देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले